हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बरसात का मौसम है, सब्जी मिलना हो रहा है बहुत मुश्किल। सोचते हैं क्या बनाएं, तो चलिए बना लेते हैं आज हम गट्टे की सब्जी। ये देखिए, मैंने एक कटोरी बेसन लिया। एक कटोरी बेसन से ही मेरी काफ़ी सारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। ये मैंने इसमें दो बारीक हरी मिर्च डाल दी है और मैंने इसमें डाला है लहसुन और प्याज का पेस्ट। अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे नहीं डालिए। और इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालिए, आधे चम्मच के करीब, ऐसे मसल के डाल दीजिए हाथ से। और इसमें डालिए थोड़ा सा हींग। हींग से इसका टेस्ट बढ़िया आता है बहुत ही, और ये अच्छा भी होता है। और नमक डालिए अपने टेस्ट के अनुसार। और इसमें डालिए थोड़ी सी लाल मिर्च। और अब हमें डालना है इसमें एक चम्मच के करीब रिफाइंड। और अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से, जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं, ऐसे हमें इसे गूंद लेना है। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और फटाफट से आप इसे बना सकते हैं। और ये बनाने में इतनी आसान है। देखिए, मैंने रोटी के जैसे इसको गूंद लिया है। मेरा ये डो गूंद के तैयार है और अब मैं इन्हें बराबर बराबर से चार भागों में बांट लूँगी ताकि मेरे चार अच्छे से रोल बन जाएं। बहुत चिपचिपा होता है बेसन, इसलिए आप हल्का सा तेल लगा लीजिए अपने हाथों पर और इसे जब बनाना स्टार्ट करिए। देखिए, मैंने ऐसे बना लिए हैं। आप जिस भी शेप के चाहें आप वैसे ही इसे बना सकते हैं। मैंने इसे लंबे शेप के बनाए हैं। और फिर हम इसे, जब हमारे ये बॉईल हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें काट लेंगे। अब देखिए, ये मेरे बनके तैयार हैं। इधर मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया है। स्टीम करके बनाना है हमें। हमें इसे डायरेक्ट ऐसे ही पानी में डाल देना है। हमें ऐसा नहीं है कि छन्नी वगैरह रख के इसे बनाना है, हमें इसे ऐसे ही डाल देना है। हमारे ऐसे भी गट्टे बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और अब हम इधर अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इतना हमारे गट्टे उबलते हैं, देखिए ये अच्छे से उबल रहे हैं। हमें इन्हें 5 से 7 मिनट के लिए उबालना है। और ये देखिए, मैंने एक बड़ा चम्मच तेल लिया था और उसमें डाला है थोड़ा सा जीरा। और ये मैंने लहसुन और प्याज का जो पेस्ट बनाया था, इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। इसे बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है। हमें हल्का सा इसे, जब इसका कलर चेंज हो जाए, जब तक कि हमें इसे भूनना है। ये सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी है। इसे पराठा, पूरी या किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी और सब लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा दोस्तों। ये देखिए, मेरे गट्टे हैं जो उबल के तैयार हैं। पानी मैंने निकाल दिया है और अब मैंने इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया है। इतना मेरी ग्रेवी तैयार होती है, इतना ये मेरे ठंडे हो जाएंगे अच्छे से। और देखिए, ये ठंडे हो गए हैं और मैं इन्हें गोल शेप में काट लेती हूँ। ये देखिए कितने फ्लफी बने हैं, बिल्कुल भी टाइट नहीं है। जैसे बहुत से टाइट हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे मेरे गट्टे बनके तैयार हैं। और उधर मेरी प्याज भी भुन के तैयारी होगी, देखते हैं अब। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें डालिए मैंने एक चम्मच मिर्च और आधा चम्मच हल्दी और एक चम्मच धनिया पाउडर डाला है। और टेस्ट के अनुसार डालिए नमक। और थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें चना मसाला, क्योंकि इसका टेस्ट बढ़ा देगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। और देखिए, हम इसे अच्छे से ऐसे मसाले को भून लेंगे। जब ये अपना तेल अलग छोड़ दे मसाला, तो हमारा भून के तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डालिए ताकि हमारे मसाले जले नहीं। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है दोस्तों, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया। और देखिए, मेरी ग्रेवी बनके तैयार है। अब मैं इसमें आधा कटोरी करीब मैंने फेटा हुआ दही डाल दिया है। आँच को मीडियम रखिए और इसको चलाते रहिए ताकि हमारी दही फटे नहीं। और देखिए, और दही से इसमें हल्का सा खट्टापन आएगा और इसे क्रीमी टेक्सचर मिलेगा। बहुत ही अच्छी हमारी गट्टे की सब्ज़ी बनके तैयार होगी। इसे हम अच्छे से चला लेते हैं ताकि हमारी दही भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए, इसने भी अपना तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। और अब हम इसमें अपने गट्टे डाल देंगे इस ग्रेवी के अंदर और इन्हें अच्छे से मिला देंगे। है ना बिल्कुल आसान और सिंपल रेसिपी। और देखिए, देखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है। एक बार ट्राई करिएगा और अपने दोस्तों को भी खिलाइएगा। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी सब्जी। अगर अब तक के आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना कि मेरी गट्टे की सब्जी कैसी लगी आपको दोस्तों। और इसमें डालते हैं आधा कटोरी करीब पानी, क्योंकि हमें इन्हें थोड़ा सा पकाना है। बस जैसे ही इसमें हल्का सा उबाल आने लगे, हमें आँच को बिल्कुल धीमी कर देने हैं।
हमें इसे ज़्यादा नहीं बनाना है और इसे अच्छे से चलाइए। और अब इसमें लेते हैं हम एक चम्मच के करीब कसूरी मेथी डालिए इसके अंदर, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है इसमें। और इसे कसूरी मेथी को हमें बिल्कुल लास्ट में डालना है और अब हमें सिर्फ एक दो सेकंड के लिए ही इसे आंच पर रखना है। और देखिए तैयार है मेरी गट्टे की सब्जी, बनके तैयार है। और ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बनके मेरी तैयार है फटाफट से। आप इसे बनाकर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।